कर रहे हैं एनेक्स 12 के अंदर असेंबली, है ना। तो लास्ट हमने जो ट्यूटोरियल किया था वो किया था हमने सीक्वेंस का, तो अलग अलग सीक्वेंस बना के देखी थी कि इसको कैसे मूव कर सकते हैं हम, है ना, और कैसे असेंबल कर सकते हैं। आज हम करेंगे एनेक्स के अंदर अरेंजमेंट्स। अब अरेंजमेंट्स क्या होता है, अब जैसे मैंने ये एक असेंबली बना ली, है ना, तो जब मैं इसकी ड्राइंग बनाऊंगा ड्राफ्टिंग में जाके, तो मुझे अलग अलग जगह पे भाई अगर ये 30 डिग्री रोटेट होगा तो ये कैसा नज़र आएगा, -30 डिग्री होगा तो कहाँ कैसा नज़र आएगा, कोलिजन में कैसा नज़र आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ अरेंजमेंट बना भी रखे हैं, मैं दिखाता हूँ। अब ये मेरा डिफ़ॉल्ट अरेंजमेंट है, ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट अरेंजमेंट है। अगर मैं इंटरफेरेंस 1 करता हूँ तो ये देखो ये थोड़ा आगे हो जाएगा, अगर इंटरफेरेंस 2 होगा तो ये दूसरी जगह कहाँ पर इंटरफेरेंस हो रहा है। अगर हम नो इंटरफेरेंस देखने लोकेशन देखना चाहते हैं तो नो इंटरफेरेंस दिखाएगा, और अगर मैं इसको स्लाइड कर दूंगा तो ये थोड़ा सा स्लाइड हो जाएगा। तो ये अरेंजमेंट कैसे बनाने हैं, ये अरेंजमेंट जो बने हुए हैं ये हमारे ड्राफ्टिंग में भी चले जाएंगे। मैं दिखाता हूँ कैसे। सपोज़ करो जब मैं यहाँ पर ड्राइंग में जाता हूँ तो ये हमारे पास दो अरेंजमेंट बने हुए हैं, क्योंकि हमारे को ड्राइंग में ऐसे भी दिखाना है और ऐसे भी दिखाना है। सपोज़ करो मैं चाहता हूँ कि इस वाली ड्राइंग के अंदर मैं अरेंजमेंट नहीं देखना चाहता, तो इसको मैं एक बार दोबारा से दिखाता हूँ। जब हम बेस व्यू लेके आते हैं ना तो यहाँ पे वो अरेंजमेंट पूछता है हमारे, मैंने कहा जी मुझे नो इंटरफेरेंस वाला चाहिए, और स्केल रेशियो हम इसको कम ज़्यादा कर देते हैं 1:10 कर देते हैं, ठीक है, और इसको क्लोज कर देते हैं। अब हमारे को हिडन लाइन नहीं देखनी, हिडन लाइन देखना चाहते हैं तो यहाँ जैसे हिडन लाइन ऑन कर देते हैं, ठीक है। तो हम नो इंटरफेरेंस वाला भी व्यू देख सकते हैं और इंटरफेरेंस वाला व्यू भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है असेंबली के अंदर जब हम ड्राइंग बनाएंगे। तो करना कैसे है वो मैं सिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने वापस मॉडल में आ जाते हैं, ड्राफ्टिंग में थे ना, तो हम मॉडल में आ जाएंगे। यहाँ से हम गए असेंबली में, ठीक है। तो ये जो हमारे अरेंजमेंट्स बने हुए हैं तो मैं क्या करता हूँ, इनको कर देता हूँ डिलीट। तो मैंने सारे अरेंजमेंट्स डिलीट कर दिए, ठीक है, डिफ़ॉल्ट वाला रहने देते हैं, और इस जिसके ऊपर डबल क्लिक कर देंगे वो अरेंजमेंट अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, इसको भी डिलीट कर देते हैं। अब मेरे पास कोई अरेंजमेंट अवेलेबल नहीं है, ठीक है, और ये अलाइन का रिलेशन यहाँ पे लगा हुआ, ये वाला रिलेशन भी नहीं है हमारे पास, ठीक है। इसके बारे में बताता हूँ मैं क्या करना है हमारे को। फिलहाल हमारे को क्या करना है, हमारे को अरेंजमेंट क्रिएट करना है। तो जैसे मैं अरेंजमेंट पे जाऊँगा तो यहाँ पे हमारे पास आती है न्यू ऑप्शन, ठीक है। शुरू से एंड तक देखेंगे वीडियो, अगर बढ़िया लगे तो लाइक का बटन दबाना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये हमारा कैम सॉल्यूशंस के नाम से चैनल है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है और कमेंट करना है अगर कुछ भी ना समझ में आए, ठीक है। और अगर अरेंजमेंट बन जाए तो पीडीएफ बना के मेरे को इस नंबर पे सेंड करनी है फाइल, ताकि समझ में आएगा किस किस को समझ में आ गया। तो हम थे असेंबली के अंदर, हमने कहा हमें एक और अरेंजमेंट बनाना है जिसमें हम इंटरफेरेंस देख सकें, इंटरफेरेंस 1 नाम रखें, ठीक है, इंटरफेरेंस 1 करके इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये अप्लाई हो जाएगा। तो अब मैं इस ऑब्जेक्ट को राइट क्लिक करके मूव कर सकता हूँ, यहाँ से भी कर सकते थे मूव कंपोनेंट से। तो अब मैं इस अरेंजमेंट को जैसे मर्जी रख सकता हूँ, जहाँ पे आपकी इंटरफेरेंस हो रही है वो वाली जगह रख दी मैंने। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ये ऐसे होता है और ये ऐसे बंद भी होता है जब हम मूव करेंगे ना, ये बंद मिलेगा। तो हम इसको खोल लेंगे सेटिंग में और इस ऑप्शन को कर देंगे अप्लाई, अरेंजमेंट्स लिखा है अप्लाई टू यूज, ठीक है। डायनेमिक पोजिशनिंग ऑन रखनी है ताकि हमारे को नज़र आए कि चेंज हो रहा है, और इसको कर देंगे अप्लाई। तो ये अरेंजमेंट वहाँ हमारा सेव हो गया। तो अब अगर मैं डिफ़ॉल्ट करूँगा तो देखो ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। तो मैं ऐसे ही एक और बनाऊँगा अरेंजमेंट और उसको अप्लाई कर दूंगा, और फिर से इसको हम मूव कर सकते हैं।
मूव करेंगे डायनेमिकली, इस साइड कर लेते हैं इस बार, ठीक हो गया। और अप्लाई टू यूज़ हमारा ओके है, अप्लाई कर देंगे। तो ये मेरा जो है बहुत ही इजीली वे से अरेंजमेंट एक और बन गया। अब इंटरफेरेंस वन में जाएंगे तो इधर दिखाएगा, टू में जाएंगे तो इधर दिखाएगा, ठीक है। अब मेरे को नो इंटरफेरेंस वाला बनाना तो हम एक और अरेंजमेंट बनाते हैं, उसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। तीनों का नाम अलग अलग रह सकते हैं जैसे भी हमारे को रिक्वायरमेंट हो। और इस ऑब्जेक्ट को मैं मूव कंपोनेंट करके इसको रोटेट कर सकता हूँ, ठीक है, जहाँ पे मेरी इंटरफेरेंस नहीं हुई। हम इसको मिनिमम और मैक्सिमम लेंथ के हिसाब से भी चला के देख सकते हैं, तो जैसे हमारे को अरेंजमेंट चाहिए उसके हिसाब से हम बना के देख सकते हैं। अप्लाई टू यूज़ कर दो, अप्लाई क्लोज। तो ये हमारा बहुत ही सिंपल तरीके से अरेंजमेंट बन गया, ठीक है। ये जो अरेंजमेंट यहाँ पे आ रहा है, हम यहाँ पे ये जो असेंबली वाला नेविगेटर है इसके ऊपर राइट क्लिक करके अरेंजमेंट्स यहाँ से भी हम जा सकते हैं, ठीक है। तो इंटरफेरेंस वन में जाना है या इंटरफेरेंस टू में जाना है या डिफॉल्ट में जाना है या हम एडिट करना चाहते हैं, एडिट करेंगे तो ये खुल जाएगा, ठीक है। और एक और काम कर सकते हैं हम, जैसे अभी हमारा यहाँ पे एक रिलेशन लगा हुआ है एक्सिस अलाइनमेंट का, ठीक है। तो हम कहते हैं कि हमने ये सप्रेस कर दिया, हमने ये सप्रेस करके एक और रिलेशन लगा दिया डिस्टेंस वाला यहाँ पे, ठीक है। मैं इसको डिलीट ही कर देता हूँ, दोबारा से बनाते हैं। हमने इसको सप्रेस कर दिया, ठीक है। तो अब सप्रेस करने से फ़ायदा क्या हुआ, अब ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है ये मूव कर सकता है इस साइड, ठीक है। पर मैं इसको करने से पहले एक बार देखना चाहता हूँ कि हमारा अरेंजमेंट कौन सा है। तो अरेंजमेंट मैं एक और बना लेता हूँ, उसका नाम दे देते हैं हम स्लाइड, ठीक है भाई। एक और अरेंजमेंट जिसमें हम ये स्लाइड कराएंगे साइड में, तो इसमें मैं एक रिलेशन लगाने वाला हूँ डिस्टेंस वाला, ठीक है। याद रखना है हमने वो वाला सप्रेस कर दिया पहले वाला अलाइन, ठीक है। तो हमने इस फेस को और इस फेस को कहा कि डिस्टेंस चाहिए हमें 12 का, अप्लाई करेंगे तो ये मूव हो गया, ठीक है। डिस्टेंस मतलब फिर हमारा अरेंजमेंट लग गया। तो अब जब मैं इंटरफेरेंस में जाऊंगा वन में तो ये वन दिखाएगा, टू में जाऊंगा तो टू दिखाएगा, थ्री में जाऊंगा तो थ्री दिखाएगा, और स्लाइड में जाऊंगा तो ये स्लाइड होके दिखाएगा। कहने का भाव ये है कि हम किसी भी रिलेशंस के साथ कंस्ट्रेंट जो हमने लगा रखे हैं उनके साथ भी हम चेंजेस कर सकते हैं। हम किसी भी रिलेशन को ऑन कर सकते हैं, किसी को भी बंद कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट रिलेशन के अंदर, ठीक है। बड़ी अच्छी एक एग्जांपल है क्लास की, क्लास को हमारे को खोल के दिखाना है, बंद करके दिखाना है, ठीक है। ये पिस्टन काम नहीं किया, कुछ गियर होते हैं, गियरों को हमारे को मूव करके दिखाना होता है। कैम फॉलोअर होता है, कैम में ऊपर चाहिए या नीचे चाहिए, ठीक है ना। मिनिमम मैक्सिमम कैम की लेंथ से हमारे को पता लग सकता है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, जेसीबी मशीन हो गई, वहाँ पे हमारे को अरेंजमेंट चाहिए, तो वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो जब हमारा ये बन जाए अरेंजमेंट, तो उसके बाद आप ड्राफ्टिंग में चले जाओ, ठीक है। हम न्यू शीट बना लेते हैं, जब न्यू शीट बनाएंगे तो इसको बढ़ के जब बेस व्यू लेके आते हैं हम, तो यहाँ पे वो वहाँ से पूछता है अभी आपको कौन सा इंटरफेरेंस वाला बनाना चाहिए। तो मैंने कहा जी मुझे इंटरफेरेंस 3 चाहिए, स्केल मेरे को 1:10 का चाहिए, और यहाँ पे इसको कर दो क्लोज। अगर आपको हिडन लाइनें देखनी है चाहते हैं हमारे को अंदर से देखना है ना, तो इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे और हिडन लाइन में जाएंगे, यहाँ पे इनविजिबल हुआ हुआ है इसको विजिबल कर देंगे, तो ये हमारे को नो इंटरफेरेंस वाला दिखा रहा है, ठीक है। फिर से बेस व्यू लेके आएंगे, अब मुझे ये इंटरफेरेंस वन वाला देखना है। रेशो मैंने 1:10 कर दी, यहाँ पे क्लिक कर दिया, हेडल लाइन नहीं नज़र आ रही, इसके ऊपर डबल क्लिक करो, हेडल लाइन को विजिबल। तो ये ऐसे हम डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट्स ड्राफ्टिंग के अंदर देख सकते हैं, ठीक है। तो बड़ा आसानी से अरेंजमेंट बन जाएगा, और इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एनएक्स के अंदर। एनएक्स के अंदर क्या, असेंबली के अंदर जब भी हम ड्राइंग बनाएंगे
तो हमारे को ड्राइंग के टाइम कोई भी असेंबली होगी ना, तो हमारे को ये अरेंजमेंट्स अलग अलग करके दिखाने होते हैं। कोई मशीन ऊपर लिफ्ट हो रही है, नीचे लिफ्ट हो रही है, कोई मशीन ओपन हो रही है या क्लोज हो रही है, ठीक है ना। जैसे सपोज करो एक दरवाज़ा है, दरवाज़ा हमने डोर क्लोज में भी दिखाना है और ओपन में भी दिखाना है, तो वहाँ पे हमारे को ये अरेंजमेंट्स काम आएंगे, ठीक है। उम्मीद है वीडियो बढ़िया लगी होगी, पसंद भी आई होगी। वीडियो वैसे अच्छी भी बन गई है, तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन दबाना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जो भी लोग NX सीखना चाहते हैं उनके साथ वीडियो शेयर करना है।